जींद के देवीलाल ग्राउंड पर खड़े होकर जहन में कुछ सवाल थे, जवाब जानने के लिए नेताओं की दरकार थी, लेकिन प्रदेश स्तर के नेता यहाँ मौजूद नहीं थे। ऐसे में तमाम वो नेता, स्थानीय स्तर के नेता आप कह सकते हैं, तमाम वो कार्यकर्ता जो अजय सिंह चौटाला के हाथ मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उन लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालों के जवाब थे जो जानने की आप कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, इससे छोटा प्लॉट नहीं मिला क्या? नहीं, जगह वाली बात नहीं है, ये कार्यकर्ता मीटिंग है। कार्यकर्ता मीटिंग को लेकर जगह बहुत ही है हमारे पास, तो इसमें बड़े लेवल का जो प्रोग्राम है, जो हमारी जो नेता जो हमें आदेश देंगे जनवरी में जो रैली करने जा रहे हैं, उसके लिए तो कम से कम 60-70 एकड़ जमीन हमारे को चाहिए। चाहिए। मुझे ये बताइए कि आपका नाम क्या है और आपका पद क्या है इस वक्त? मैं अशोक कुमार गोयल उर्फ लीलू प्रधान, विशेष आमंत्रित सदस्य प्रदेश कार्यकारिणी इनेलो हरियाणा। अजय सिंह चौटाला का साथ दे रहे हैं। अजय सिंह चौटाला जी, अब मुझे जरा ये भी बता दीजिए कि आप इसको ग्राउंड कहते हैं, मुझे तो ये सिर्फ प्लॉट लगता है। देखिए, इसको आप प्लॉट समझो, ग्राउंड समझो, हमारी सिर्फ ये कार्यकर्ता मीटिंग है, कोई हमारा सम्मेलन नहीं है। ये कार्यकर्ता मीटिंग के लिए ये जगह बहुत है हमारे लिए। पूरे हरियाणा प्रदेश से तमाम जो INLD से जुड़े लोग हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग देवीलाल परिवार से जुड़े रहे हैं, हल्के हल्के में जाकर तमाम परिवार के सदस्यों ने, अजय सिंह की बात की जाए, दिग्विजय की बात की जाए, दुष्यंत की बात की जाए, नैना चौटाला की बात की जाए, एक जमीन तैयार की है तमाम ऐसे पुराने INLD के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को यहाँ तक लाने की, आने की अपील की है। अब अगर पूरे हरियाणा प्रदेश से INLD के कार्यकर्ता ही अगर मान लें, अजय सिंह के कार्यकर्ता ही अगर मान लें, तो क्या ये प्लॉट काफी है? ये प्लॉट चौधरी देवीलाल की कर्मभूमि रही है, उन्होंने भी यहीं से न्याय युद्ध शुरू किया था, इसलिए हमने इसी प्लॉट को, चाहे प्लॉट छोटा हो चाहे बड़ा हो, हमारे सारे कार्यकर्ता यहीं पर आएंगे और इसी को हम न्यायस्थली मानते हुए यहीं से शुभारंभ करेंगे। वक्त बदल गया, तस्वीर बदल गई, हो सकता है कि ये जगह संघर्ष के लिहाज से पूजनीय हो सकती है, लेकिन सिर्फ पूजा यहाँ की जा सकती थी? पूरे हरियाणा प्रदेश से अगर नेताओं कार्यकर्ताओं को बुलाया गया है, तो आपको नहीं लगता कि ये बेहद छोटा पड़ जाएगा? नहीं, छोटा नहीं पड़ेगा, बहुत जमीन, काफी जगह है, चारों तरफ जगह ही जगह है, और यह सिर्फ कार्यकर्ताओं की मीटिंग है, और ताऊ देवीलाल ने यहीं से संघर्ष शुरू किया था और यहीं से इसको पूजनीय जगह मानते हैं हम, और यहीं से इसकी स्टार्टिंग। ये बात मैं मान लेता हूँ कि ये जगह पूजनीय हो सकती है, लेकिन पूरे हरियाणा प्रदेश से अजय सिंह के समर्थक सिर्फ इतने ही हैं? तमाम जो नेता हैं वो सिर्फ इतने हैं कि इस प्लॉट में समा जाएंगे? इस प्लॉट में कहाँ समा जाएं, जब इसमें ये कार्यकारिणी की मीटिंग है और फिर चारों तरफ बहुत काफी जगह है, ये देखो तो चुगरदल खा के कितना इसमें, आप इसमें दिखाओ दूरबीन में कितने चारों तरफ कितना बड़ा रोड है ये, और कितनी काफी जगह है यहाँ। मुझे एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ जींद के अंदर दो प्रोग्राम है, पहले इसमें प्रदेश स्तरीय कार्यकारिणी की मीटिंग है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट जींद के 500 हलके के कार्यकर्ताओं से मिलने का, ये कोई रैली नहीं है, उनसे मिलने का कार्यक्रम है कार्यकर्ताओं। हरियाणा प्रदेश से अजय सिंह चौटाला लोगों को न्योता दे चुके, आमंत्रण दे चुके हैं, 17 तारीख को आप जींद पहुंच जाइए, वहीं कहानी सुनाएंगे, याचना नहीं रण होगा, और रण की बात के लिए अगर रणभूमि देखने आए तो पता लगा कि ये कोना रख दिया। नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में वही यही बात कहते हैं कि मैं जींद के कार्यकर्ताओं से मिलने जाऊंगा और वहाँ प्रदेश कार्यकारिणी की मीटिंग लूंगा और वहीं से फैसला लूंगा। आपका नाम और पद बता। मेरा नाम अजमेर इजरा है, मैं अजय सिंह का बहुत पुराना साथी हूँ, चौधरी देवलाल से इस पार्टी में काम करना सीखा। तस्वीरें बयां कर रही हैं, हकीकत आपके सामने रख दी है, फैसला आपको खुद करना है कि रणभूमि के लिए कितना बड़ा रण चुना गया है, ये एक सवाल सामने है और जवाब तमाम नेताओं को देना ही पड़ेगा। फिलहाल मेरे साथ आप कह सकते हैं कि स्थानीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जवाब ठीक से दे नहीं पाए, बड़े नेताओं से भी यही सवाल करेंगे। कैमरामैन विशाल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज़, जींद।